नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर मित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो 60,244 के कांस्टेबल की, जो आपका 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है, तो अंतिम 6 दिनों में क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आने वाले समय में भी बात करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आज आपकी एग्जाम सिटी खुल गई है, तो आपके लिए बधाई कि शायद ये बता रहे हैं, काफी स्टूडेंट से बात हुई है कि आपको लोकल होम टाउन ही मिल रहा है, तो आपकी एक सीढ़ी पार हो गई है अपने सफलता की तरफ चलने के लिए। अब चलते हैं काम की बात पर। 60,244 पद आपकी जिंदगी के लिए, आपको एक पद चाहिए, तो उसके लिए अंतिम 6 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपने सबसे पहले ये बताइए कि 2018 का जो पेपर हुआ था यूपी कांस्टेबल का, उसमें दो पेपर हुए थे, एक बार दिसंबर अक्टूबर के करीब हुआ था, एक जनवरी में हुआ था 2019 में, दूसरी वाली भर्ती का। तो दोनों ही भर्ती को मैंने करीब से देखा है, दोनों में क्वालिफाई हुआ था। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स के आपने पहले तो एनालाइज 6 दिन में आप पे क्या करना है। 6 दिन में आपको ये करना है कि जो करंट अफेयर्स है 4 से 6 महीने का आपने बिल्कुल, मतलब मैं मानता हूँ, पढ़ रखा होगा एक बार सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने तैयारी कर रखी है। अब आपको क्या करना है, उसका 6 महीने का निचोड़ करना है करंट अफेयर्स का। क्या आप एक दिन लगा दें, पूरा 1 या 2 दिन दे दो करंट अफेयर्स पे, क्योंकि उसके 7 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 37 क्वेश्चन में से। करंट अफेयर्स का जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सारथी, तो ये इन चीजों को लिख लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट है जो ये कभी ना कभी पेपर में आपको टकरा जाएंगे। भारत रत्न कितनों को मिल गया, अभी करंट का टॉपिक था, लेकिन ये अभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पहले वाले आ सकते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, मेन मेन हाईलाइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स को आप अब बिल्कुल उन्हें, मतलब मेन निचोड़ उसका पढ़ सकते हैं एक दिन का टाइम देकर। पढ़ तो आपने रखा होगा करंट अफेयर, तो वो 7 से 10 नंबर का इफेक्ट डालेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी कॉन्स्टेबल के में, जो मैंने लास्ट ईयर के सारे एग्जाम देखे हैं, तो यूपी को उसके लिए भी एक दो वीडियो देख सकते हैं यूपी की अच्छी। तो दो चीज तो ये हो गई आपकी, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से भी 5 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आप नजर मार सकते हैं, संविधान के मेन मेन अनुच्छेद आप देख सकते हैं। तो 5 नंबर का ये हो गया, और 8 से 10 नंबर मतलब करंट अफेयर्स हो गया, और 5 नंबर का ये, 20 नंबर का, तो ये 3 टॉपिक आपको कवर कर देंगे। तो जीएस के लिए तो और आप अपना अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन टाइम ये है कि इस पर ज्यादा फोकस करें। अब आइए मैथ और रीजनिंग, जो 75 नंबर का टॉपिक रहता है, जिसमें 55 के करीब रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और 20 मैथ के। सिलेक्शन जिसे भी मिलना है वो यही टॉपिक क्लियर करेंगे कि जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा वही सिलेक्शन यूपी कॉन्स्टेबल में सबसे आसानी से ले जाएगा, क्योंकि हिंदी सभी बंदे यूपी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 25 से ऊपर ही चलेंगे सब 37 में से, और जो ज्यादा अच्छा होगा वो 30 पार कर जाएगा, 35 33 कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हिंदी इफेक्ट नहीं डालेगा, इफेक्ट जो डालेगा मैथ और रीजनिंग डालेगा। तो अब आप पे अंतिम 6 दिनों में क्या करना है, 6 दिनों में आपको ये करना है कि मैथ के जैसे जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, 20 नंबर का आएगा, तो उस टॉपिक को पहले एक कॉपी में लिख लीजिए कि ये मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, उसे आधे या 1 घंटे की वीडियो से, नेट पर यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है उस चैनल, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की देखोगे, जैसे टाइम वर्क एवरेज और परसेंटेज में अगर आपका जो भी चैप्टर क्लियर होगा नहीं होगा तो उसे क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो उसे लिख लिख के कि यार ये चैप्टर मेरा रह गया यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए। उसके अलावा मैथ हो गया 20 नंबर का, 55 नंबर का जो मेजर सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, और रीजनिंग है। रीजनिंग का जो भी आपका चैप्टर क्लियर नहीं है, कि आपका डायरेक्शन हो या आपका कैलेंडर हो, जो भी चैप्टर हो, या किसी का ट्रिक देखनी है आपको, तो यूट्यूब पर सब वीडियो पड़ी है, सबकी पड़ी है इस टाइम यूट्यूब पर, तो उस चैप्टर को आप देखें, टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे इस टाइम, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि मैं गलती बार बार मैथ और रीजनिंग में कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके 75 में से अगर 60 नंबर से ऊपर आ गए तो आपको मैं लिखित में दे दूंगा कि सिलेक्शन आपका रुकने वाला नहीं है यूपी कांस्टेबल में। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और आपकी मर्जी है, आपको मेरा सजेशन मानना है नहीं मानना। 6 दिन का समय है आपको, तो एक दिन आप करंट अफेयर्स को दीजिए, जो 6 महीने का कंपाइल मतलब मेन मेन उनका टॉपिक निकाल के उसमें निचोड़ पढ़ लें एक बार यूट्यूब से किसी से। आधा दिन दे दीजिए यूपीजी के और संविधान को, 2 दिन हो गए, 1 दिन हिंदी को दे दीजिए, 3 दिन हो गए, और 3 दिन मैथ और रीजनिंग का। आप जो जो चैप्टर आप पे नहीं आते हैं या जिसका आपके सूत्र या फॉर्मूले नहीं आते हैं तो उसे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, या यूट्यूब पर उसका वीडियो डालकर आप चेक कर सकते हैं कि 3 दिन आपने मैथ रीजनिंग को दे दीजिए, बस 6 दिन आपके इसमें हो जाएगा। तो 6 दिन आपके लिए बहुत है, और एक दो टेस्ट बीच बीच में 2 घंटे का मार सकते हैं, रोज एक एक टेस्ट देते रहें, उसमें ये देखें कि आपके मैथ रीजनिंग में हर बार गलती कहाँ हो रही है, और जो आपको कमजोर लगेगा उसे यूट्यूब पर सर्च मारें या
फिर आप किसी से, आपके जो नियरेस्ट कोई टीचर हो उससे समझ सकते हैं, अपने दोस्त से या किसी से, कि इस चैप्टर को क्लियर, क्योंकि एक एक दिन आधे आधे दो दो घंटे के सब्जेक्ट है, कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं कि आपका, क्योंकि आपको बेस ही तो क्लियर करना है, क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही दोगे सारे वहाँ। तो यही है यूपी कॉन्स्टेबल 10th तक का सिलेबस आएगा, इतना भारी ये नहीं है कि आपका 12th का आएगा या BSC का आएगा, ये कुछ नहीं है। अपना ऑल द बेस्ट, और आगे को मैं रणनीति बीच बीच में बताता रहूंगा। 6 दिन में आपको यही करना है, एक दिन आपको करंट अफेयर्स को पूरा देना है, बिल्कुल जो आपने पढ़ रखा है उसे बिल्कुल निचोड़ लें, यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो देख लें जो 6 महीने की एक साथ वीडियो दिखाए, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे आप देख सकते हैं। जो आपको याद नहीं हो रहा उसे एक छोटे से पेपर पर लिख सकते हैं, जैसे ये वाला पेपर आता है, और अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। हिंदी को मैंने बता दिया किसी यूट्यूब से, क्योंकि अब तक तो आपने हिंदी पढ़ रखी होगी, एक दिन आपको हिंदी करो देना है और 3 दिन मैथ और रीजनिंग को देने हैं। मैथ और रीजनिंग आपका सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करके जा रहे हैं।